हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कार एनर्जी विद मनमोह पंच। दिस इज स्टार्टअप पंच सुपरबली इंस्टॉल्ड। आई जस्ट शो यू द वर्कमैनशिप। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। वीडियो पसंद आए तो शेयर करना, लाइक करना। टाटा पंच के बारे में बात करें तो इसका इंजन सीएनजी के लिए जबरदस्त है। पावर्ड बाय द सेम 1.2 लीटर थ्री सिलेंडर पेट्रोल इंजन। टाटा पंच इज अ गुड प्रीमियम एसयूवी विद अ लुक ऑफ अ कंपैक्ट एसयूवी विद ऑल लोडेड फीचर्स एंड एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस रेंज। अगर आपकी डेली का रनिंग ज्यादा है तो सीएनजी इज अ गुड ऑप्शन इन पंच। स्टिल मतलब आज इतना सीएनजी का रेट बढ़ने के बाद भी स्टिल देयर इज 50% ऑफ सेविंग इज देयर ओवर पेट्रोल। टाटा पंच इज अ गुड एडवाइस फॉर सीएनजी इंस्टॉलेशन। ये सीएनजी फिलिंग वाल्व है। दिस इज अ डिवाइस थ्रू विच द सिलेंडर इज फिल्ड। इसको वन वे वाल्व, नॉन रिटर्नेबल वाल्व भी बोलते हैं। दिस इज द रिड्यूसर विच रिड्यूसेस एंड एडजस्ट द गैस प्रेशर। इसका काम है पीछे से जो भी सिलेंडर से गैस आ रहा है वो हाई प्रेशर में आता है और उसको रिड्यूस करके जितनी जरूरत है उतना सप्लाई करता है। दिस इज मैप सेंसर, मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर। ये बेसिकली इंजन से एयर मास फ्लो रेशियो लेके ईसीएम को सिग्नल देता है और उसी हिसाब से एयर और गैस मिक्स होता है। दिस इज द इंजेक्टर। द करेक्ट अमाउंट ऑफ गैस इज इंजेक्टेड थ्रू दिस सिक्वेंशियली इनटू ईच सिलेंडर। दिस इज द डायनेमिक एडवांसर। दिस इज अ सॉफ्टवेयर बेस्ड एडवांसर, लुक्स लाइक अ ईसीएम। इसका सेटिंग कंप्यूटर से होता है। इसको हम हर एक गियर या हर एक स्पीड के हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं। पंच को कामयाब करने का जरिया यही है। अब इसके साथ जितनी भी वायरिंग जा रहा है, आप ये देखो, ये नॉर्मल टेपिंग नहीं है। स्पाइरल ट्यूब के अंदर सारा वायर को दे रखा है हमने ताकि कभी भी गाड़ी के हीट से या डस्ट से ये टेपिंग निकले नहीं। ईसीएम से भी देखो, दिस इज द ब्रेन विच कंट्रोल्स द होल किट। यहां से भी आपकी जितनी भी वायरिंग जा रहा है स्पाइरल ट्यूब स्लीविंग में जा रहा है। सुपरबली इंस्टॉल्ड। कभी भी इसका टेपिंग निकलेगा नहीं क्योंकि ये ट्यूब के अंदर है और गाड़ी के हीट से वायर कभी चिपकेगी नहीं। इसमें मैंने सारा कपलर टू कपलर वायरिंग कर रखा है। इंजेक्टर्स के कोई भी वायर कट नहीं है। दिस इज स्टार्टअप पंच सुपरबली इंस्टॉल्ड, अ ग्रेट वर्कमैनशिप। आई लव पंच। और मैं सबको बता दूं, टाटा पंच एक 5-स्टार रेटिंग कार है सेफ्टी के मायने में और सारे फीचर्स है इसके अंदर जो एक एसयूवी के अंदर होता है। अब इसका बूट स्पेस देखते हैं। देखो टाटा पंच के अंदर आपका बूट काफी निकला हुआ है। 14 केजी का सिलेंडर लगाया हमने। सिलेंडर इसके अंदर हमने ओल्ड लगाया, प्रॉपर सिलेंडर टेस्ट करके लगाया और ये स्टेपनी खड़ी है। बेसिकली इसमें अगर हम जगह बनाते हैं स्टेपनी निकालने का तो सारा इसमें बूट खत्म हो जाता है। अब इसके सिलेंडर के ऊपर हम काफी सामान रख सकते हैं। स्टैंड हमारा वही है, मोल्डेड पाइप स्टैंड, टीवीएस नाइलोलॉक नट बोल्ट। दिस इज टीवीएस नाइलोलॉक नट बोल्ट। एक बार फिक्स हो गया कभी लाइफ में लूज नहीं होगा। और डक्टिंग किया हमने ताकि कभी भी ओवरफिलिंग हो सिलेंडर पे तो यहां से लीक होता है 2-4 मिनट के लिए। कभी कभार होता है तो वो डक्ट से गाड़ी के बाहर होगा। दिस इज स्टार्टअप पंच। तो नाउ सर, ओवरऑल ऑल वेल? ऑल गुड, फैंटास्टिक। कोई फर्क? हाँ, ऐसी चल रही है, मतलब जैसे पेट्रोल पे ही चल रही है। कोई लैग फील नहीं हो रहा है। हाँ, और स्मूथ है काफी। देखो पंच इज वन ऑफ माय फेवरेट कार फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टाइम। जब से ये लॉन्च हुआ है मैंने काफी पंच लगाई है। वीडियो तो बहुत कम बनाया हूँ मैं। ओके। और एक्चुअली वीडियो बनता है मूड से। Right. अब मूड नहीं हो तो फिर बंदा कहता है चल यार काम किया, पेमेंट लिया, कोई बात। True. लेकिन I love it, really. Punch is one of my favorite car. अब मेरी भी है। मस्त है गाड़ी। इस बजट में, इस सेगमेंट में जबरदस्त है। जो फीचर्स और मैं कहता हूँ पंच की सेल इतनी हुई है सर। मुझे 4 महीने की वेटिंग थी। मैंने कैसे ना कैसे जुगाड़ से ये 1 महीने में लिया। अरे गुड, 4 महीने की वेटिंग थी मुझे। बोलते हैं शोरूम में कि 1 महीने में दे देंगे लेकिन देते नहीं है। वो खिंच के 2-3 महीने वो मेरे जैसे ही एक एक महीने टालते हैं सीएनजी के लिए।
आपने भी ऐसे किया अगले महीने आ जाएगी अगले महीने, लेकिन आ नहीं रही है, तो इसलिए मैंने सोचा वो चाहे 15 दिन बाद आए। इस बार तो आ रहा है, इस बार इसलिए आ रहा है, मैं इसलिए सबको दर्शकों भी सारे व्यूअर्स को समझा रहा हूँ। देखो आज से टुडे इज 1st अप्रैल, अप्रैल फुल नहीं है, 1st अप्रैल है। आज से BS6 फेस 1 चालू हो गया। अब जो गाड़ी आप शोरूम से लोगे वो मिलेगा आपको, सॉरी BS6 फेस 2 चालू हो गया, अब मिलेगा BS6 फेस 2। कल तक की जो भी गाड़ियां थी वो था BS6 फेस 1। अब हम कल तक की गाड़ियों में किट लगा सकते हैं। ओके, अभी नहीं, अप्रूवल आने के बाद। अब जो BS6 फेस 2 है वो हमें अप्रूवल नहीं मिलेगा जब तक BS7 नहीं आएगा। ओके। अब क्या है कि कंपनी भी खुश कि नई गाड़ियों में हम लगा नहीं पाएंगे, और हम भी खुश, आप भी खुश। ये ना बैड गुड न्यूज भी है और बैड न्यूज भी है। बैड न्यूज भी है, अब बैड न्यूज उनके लिए है जो गाड़ी अब लेंगे, जिनको रिफाइन इंजन चाहिए, जिनको रिफाइनमेंट चाहिए चीजों में, उनके लिए है बैड न्यूज भी, क्योंकि वो CNG नहीं लगवा सकते। उनको रिफाइनमेंट तो मिलेगा, लेकिन उनको CNG का अप्रूवल काफी टाइम 2-3 साल बाद, आराम से 2-3 साल बाद। मे भी हो सकता है अगर कंपनी वाले ले, अगर 1 साल में मिल जाए वो अलग बात है, सही बात, बट इट विल टेक टाइम। लेकिन 1 साल तो मिनिमम लगेगा। अब BS6 आया कब, 1 अप्रैल 2020 से, और अब क्या है, 1 अप्रैल 2023, 3 साल लग गए और अभी आया नहीं है हाथ में। आ जाए फिर वो, अभी भी उम्मीद है कि पास में है, लेकिन अभी आया नहीं है, आया नहीं है, आया। जो इंसान दिल्ली में काम करता है रहता है वो चाहे जहाज खरीद ले, कोई फायदा नहीं उसका। मेरे पास होंडा सिविक भी है, अब वो 1800 cc है कहने को, उसका मजा है भगाने में, स्मूथ रोड पे चलाने में, उसको दिल्ली में उसको चला पाओ 40-50, सोचो आप, वो 6-7 की एवरेज है उसकी। फिर मैंने उसमें CNG लगवा दी, तो 100 किलोमीटर चलती है सिटी में, लेकिन उसको निकालने का फायदा नहीं है घर से, क्योंकि एक तो लंबी गाड़ी है, पार्किंग स्पेस बिल्कुल है ना, तो दिल्ली में जिसका रहना है और काम है उसके लिए सबसे बेस्ट है ऐसी गाड़ी, छोटी गाड़ी जिसकी एवरेज माइलेज अच्छा और बिल्ड क्वालिटी अच्छी, जो सिर्फ टाटा दे सकती है मुझे ऐसा लगता है, बिल्कुल इस बजट में, बिल्कुल इस सेगमेंट में। रियली टाटा ने हर एक सेगमेंट के बंदे को कैच किया, बिल्कुल। अभी जो जनरेशन आई ना सर टाटा की, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैंने इंडिका देखी है और ये जो एक आध गाड़ियां और भी थी उनको देख के ना मुझे इतनी घिन आती थी कि यार ऐसी गाड़ियां होती तो मैं कभी गाड़ी नहीं लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, टाटा का चेंजेस है जब, ये जो नई जनरेशन आई है ना, जब से ये किया ना, तब से सारी टेक्नोलॉजी अब से बिल्कुल पूरा नक्शा ही चेंज कर दिया उन्होंने चीज का। और अब मैं टाटा लवर बन चुका हूँ, सच बताऊँ आपको, सारी गाड़ियां बहुत अच्छी है। टाटा का हैरियर देख लो, हैरियर मस्त गाड़ी है, सफारी हैरियर और अपना नेक्सॉन, मतलब छोटी बजट से लेके अच्छे सेगमेंट तक, प्रीमियम सेगमेंट तक। मुझे ऐसा लगता है जो बंदा फॉर्च्यूनर लेता है ना 50 लाख रुपए की, उसमें तो दो हैरियर ले लेगा 25-26 लाख रुपए की, और वो भी फुली फीचर्ड लोडेड, फुली सनरूफ सब कुछ मिलता सब है, सब कुछ सब कुछ सब कुछ। और अब का जो अभी ये डार्क रेड एडिशन आया है, कमाल का है, कमाल बहुत बेहतरीन चीज। ये होता है सर काम, बिल्कुल जो काम बोलता है नाम अपने आप हो जाता है, अपने आप बस इनका एक सर्विस अगर सही हो जाए ना सर, सर उस पे काम कर रहे हैं लोग। पहले ये तो इनका बहुत ही सबसे बुरी चीज है, क्या है, जाते ही ये पहले स्कैनिंग का 1200 रुपए ले लेते हैं। स्कैनिंग में लगता क्या है, कुछ भी नहीं लगता हार्डली। तो आजकल खुद लोग समझदार हैं, वो एक गैजेट आता है उसको नीचे लगाते हैं, उसमें सब पता लग जाता है कि भाई फोन से कनेक्ट होता है वो। लेकिन आम आदमी कई जो है एक लेवल पे जाके जिनको नहीं पता है वो नहीं कर पाते, तो लूट आते बेचारे वहाँ पे। वही है, अब कई चीज जो है ना ये छोटे स्कैनर से नहीं पता लगता, अब उनका ही स्कैनर लगना वही लगेगा तो पता लगेगा वो पैसे फिर। स्कैनर शुड बी फ्री, आप बाकी जब काम करो तो उसके पैसा लो, नहीं फ्री भी ना हो एटलीस्ट एक ऐसा 200-250 रुपए ले लो, ऐसा रेट होना चाहिए कि उसे अफोर्ड कर ले कोई भी, और ये इजिली ये सोचे कि यार मैं चलो जाके एक बार ना चेक करा लेता हूँ। आप मारुति जाओ, ह्यूंडई जाओ, बार ही बार लड़के चेक कर लेते हैं, हाँ अगर काम करेंगे तब जॉब कार्ड खोलेंगे, तब काम करेंगे और उसके पैसे लेंगे, उसके पैसे यही पे लगा।
ये तो पहले ही जॉब कार्ड खोलने को तैयार है। कहते हैं भाई साहब जॉब कार्ड खोलूंगा तब काम देखूंगा। जॉब कार्ड तो सर सबसे पहले है, सबसे पहले गाड़ी भी बाद में जाएगी अंदर। चलो चलो इसको कंक्लूड करता हूँ वीडियो को। हाँ ठीक है, चलो सो नाइस सर, थैंक यू, थैंक यू, बहुत मजा आया मुझे भी काम करके। चलो थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर।